फ्रेम की साइज है 18.5। इस साइकिल में आपको शिमानो के 7 स्पीड गियर्स मिलते हैं। अगर नीचे वाले शिफ्टर को प्रेस करते हैं तो चेन 1-7 की तरफ शिफ्ट होगी। तो इसमें आपको 36 वोल्ट 250 वैट रियर हब मोटर मिलती है। तो इस RFID की को आपको संभाल कर रखना है। अभी इस इलेक्ट्रिक साइकिल में आपको 4 मोड्स मिलते हैं, पैडल मोड। हाँ तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हीरो इलेक्ट्रो CTI साइकिल के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रिक साइकिल है। वैसे भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और आप अगर इलेक्ट्रिक साइकिल परचेस करना चाहते हैं तो ये साइकिल आपके लिए बेस्ट है। इस साइकिल में आने वाले पूरे फीचर्स बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम के बारे में। दोस्तों हीरो इलेक्ट्रो CTI में आपको 6061 अलॉय फ्रेम मिलती है, जो काफ़ी लाइट वेट होती है। फ्रेम की साइज है 18.5, जिनकी हाइट लगभग 5 फीट के ऊपर होती है। ये साइकिल उनके लिए कंफर्टेबल है। अब इस साइकिल में आपको 2 कलर्स मिलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेम ब्लैक कलर में है और ग्राफिक्स व्हाइट कलर में। एक और कलर मिलता है, फ्रेम रेड कलर में है और ग्राफिक्स ब्लैक कलर में। चॉइस आपकी है, आप इनमें से कौन सी साइकिल परचेस करना चाहते हैं। फोर्क की बात करें तो थ्रेडलेस फोर्क मिलता है, साथ ही 80mm ट्रैवल फ्रंट सस्पेंशन मिलता है। इसके अलावा फोर्क में एक और फीचर्स मिलता है, वो है सस्पेंशन लॉकआउट का। अब बात करते हैं गियर्स के बारे में। तो इस साइकिल में आपको शिमानो के 7 स्पीड गियर्स मिलते हैं। सबसे छोटा फेयरवेल है जो कि 7 नंबर है, वो है 14 टीथ का, और सबसे बड़ा फेयरवेल है जो कि 1 नंबर है, वो है 28 टीथ का। फ्रंट में जो आपको क्रैंकसेट मिलता है वो है 46 टीथ का। अब इसका फायदा ये है कि आप इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑन किए बिना ही आप एक नॉर्मल गियर साइकिल की तरह उसे यूज़ कर सकते हैं, और उसकी स्पीड भी अच्छी खासी रहेगी। इस साइकिल में आपको यूनिक थंब शिफ्टर मिलते हैं। अगर आप ऊपर का शिफ्टर प्रेस करते हैं तो चेन 7-1 की तरफ शिफ्ट होगी, और आप अगर नीचे वाले शिफ्टर को प्रेस करते हैं तो चेन 1-7 की तरफ शिफ्ट होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। रियर ड्रेलर आपको शिमानो टोरने का मिलता है। अब यहाँ पर कंपनी रियर ड्रेलर शिमानो टोरने की बजाय उससे बेटर ड्रेलर दे सकती है। बाकी शिमानो टोरने भी ठीक है, बस चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ब्रेक्स की, तो आपके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फ्रंट और रियर व्हील में मैकेनिकल डुअल डिस्क ब्रेक मिलते हैं, साथ ही अलॉय ब्रेक लीवर मिलते हैं, जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है। आप व्हील्स के बारे में बात करते हैं तो 27.5 व्हील साइज मिल जाती है। नैरो टायर्स में नायलॉन टायर्स है, जिनकी क्वालिटी भी बेस्ट है। डबल वॉल अलॉय रिम है विथ ब्लैक स्पोक। साथ ही आपको फ्रंट व्हील में क्विक रिलीज मिलता है, जिससे आप फ्रंट व्हील को आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब बाकी सब तो ठीक है, जिसके लिए आप ये साइकिल परचेस करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटर के बारे में। तो इसमें आपको 36 वोल्ट 250 वैट रियर हब मोटर मिलती है। बैटरी की बात करें तो 36 वोल्ट 6.36 एम्पियर लिथियम इंटरनल बैटरी मिलती है, और साथ ही आपको बैटरी चार्ज करने के लिए 36 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर मिलेगा, जिसका इनपुट 230 वोल्ट AC होता है, जो कि सबके घर में अवेलेबल है। बैटरी को फुल चार्ज होने के लिए आपको 4 घंटे लग जाते हैं, और आप इस तरह से चार्जिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट मिलता है। हैंडल बार के लेफ्ट साइड में LED डिस्प्ले है, जिस पर आपको स्विच ऑन ऑफ, बैटरी कंडीशन, क्रूज मोड और पैडल असिस्ट मोड का स्विच मिलता है। हैंडल बार के राइट साइड में है गियर शिफ्टर्स और थ्रोटल, साथ ही नीचे की तरफ आपको एक और स्विच मिलता है, जिससे आप थ्रोटल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप रात में ट्रैवल करते हैं तो फ्रंट में आपको हेडलैम्प दिया गया है, जो कि बैटरी से कनेक्ट होता है, और रियर में टेल लैम्प है, जो कि सोलर पावर से ऑपरेट होता है। इस साइकिल में कमाल का फीचर दिया गया है, वो है RFID की फीचर। सिक्योरिटी रीजन ये बेस्ट है। जब तक आप RFID की डिस्प्ले पर यहाँ पर टच नहीं करते, तब तक बैटरी स्टार्ट नहीं होती। तो इस RFID की को आपको संभाल कर रखना है। अब इस साइकिल में आने वाले बाकी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं।
जैसे कि की सीट, तो इसमें आपको न्यू डिजाइन सॉफ्ट सीट मिलता है जिस पर हीरो इलेक्ट्रो का ब्रांड नेम है। क्विक रिलीज है जिससे आप सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर सकते हैं। रियर ट्रेलर की सेफ्टी के लिए आपको ट्रेलर गार्ड भी मिलता है। अलग पैडल है विथ रिफ्लेक्टर और बोटल होल्डर आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी साइकिल में एक और फीचर्स कमाल का है, वो है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप अपने मोबाइल में हीरो इलेक्ट्रो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आप डिस्टेंस, स्पीड, ड्यूरेशन, लाइव वेदर और भी बहुत कुछ अपने मोबाइल में देख सकते हैं। ओवरऑल इलेक्ट्रिक साइकिल आप बाकी कामों के अलावा ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और लॉन्ग राइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इस इलेक्ट्रिक साइकिल में आपको 4 मोड्स मिलते हैं। पैडल मोड जिससे आप इलेक्ट्रिक साइकिल को एक नॉर्मल गियर साइकिल की तरह यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी फिटनेस भी अच्छी होगी, साथ ही बैटरी सेव भी कर सकते हैं। सेकंड है पैडल असिस्ट मोड। डिस्प्ले पर आपको 3 लाइट दिख रही होगी, लो, मीडियम और हाई। पैडल असिस्ट मोड जिसमें आपके एफर्ट और मोटर की हेल्प से आप साइकिलिंग कर सकते हैं 30-35 किलोमीटर। थर्ड मोड है थ्रोटल मोड जिससे आप थ्रोटल यूज कर 20-25 किलोमीटर साइकिलिंग कर सकते हैं बिना पैडलिंग किए। फोर्थ मोड है वॉक मोड जिसे क्रूज मोड भी कहा जाता है। डिस्प्ले पर आपको व्हाइट कलर का स्विच दिख रहा होगा, उसे थोड़ी देर प्रेस करने के बाद आप क्रूज मोड पर चले जाते हैं और जिससे आपकी साइकिल की स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर। अभी साइकिल की प्राइस की बात करें तो साइड में आप इसकी MRP देख सकते हैं। तो ये थी हीरो इलेक्ट्रो C8i साइकिल के बारे में जानकारी। बाकी आप इस साइकिल के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। साइकिल रिव्यू, साइकिल मेंटेनेंस ऐसी और भी वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।